Hello everyone, assalamu alaikum. Hope you all are doing good and welcome to my YouTube channel. So in this video, I will discuss about H.T. Coleridge as one of the most important romantic poet. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी H.T. Coleridge का, उनकी कंट्रीब्यूशन को रोमांटिक एज में और सुपरनेचुरलिज्म इन कॉलरेज पोएट्री. ओके, एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, देन डू सब्सक्राइब टू इट. ओके, सो सबसे पहले H.T. Coleridge की बायोग्राफी को डिस्कस करती हूँ. H.T. Coleridge का फुल नेम सैमुअल टेलर कॉलरेज था एंड ही वॉज बर्न ऑन 21 अक्टूबर 1772. इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे और बहुत फेमस रोमांटिक पोएट जाने जाते हैं. लेट 18 एंड 19 सेंचुरी से बिलोंग करते थे. सैमुअल टेलर कॉलरेज वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश पोएट, क्रिटिक एंड ऑल्सो अ फिलोसफर, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रोमांटिक एज रोमांटिक मूवमेंट में. H.T. Coleridge क्लर्जीमैन फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जो पैशन था रीडिंग के लिए, इनका जो लव था लिटरेचर और फिलोसफी के लिए, वो बचपन से ही था. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ H.T. Coleridge के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेट को लिखा और पब्लिश किया था इन 1798, और उसकी पब्लिकेशन के साथ रोमांटिक एज स्टार्ट होती है एंड डेट ब्रॉट फेम टू हिम एंड वर्ड्सवर्थ. जितना H.T. Coleridge लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे, उतना ही वो ट्रेवलिंग को भी पसंद करते थे. इन 1804 ही ट्रेवल टू सिसिली एंड माल्टा एंड रिटर्न इन 1806. और H.T. Coleridge के बारे में ये भी जाना जाता है कि वो एक ओपियम ड्रग है, उसकी उनका एडिक्शन थी जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है. बट बिसाइड्स दिस स्ट्रगल्स, H.T. Coleridge ने अपना जो इंटरेस्ट है लिटरेचर एंड फिलोसफी से रिलेटेड, उसको डिवेलप रखा है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसकी वजह से उनको प्रोमिनेंट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर जाना जाता है एंड विच हैव लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक मूवमेंट, राइट. Okay, so the last heading related to H.T. Coleridge biography is his death. He was passed away on 25 July 1834 in Highgate, London. उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी. Now let's discuss about H.T. Coleridge as romantic poet. H.T. Coleridge रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे और जो उनकी राइटिंग में मूवमेंट पाई जाती थी, डेट वॉज ऑल्सो रोमांटिसिज्म और रोमांटिक मूवमेंट. और रोमांटिक मूवमेंट इट्स अ लिटरेरी मूवमेंट इन यूरोप डेट एम्फेसाइज इमोशंस एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म. इसका मतलब यह है कि जो फोकस था वो मशीनरी पर नहीं था, वो रीजन्स पर नहीं था, वो डिस्कवरीज पर नहीं था, बट द फोकस ऑन ह्यूमन बींग. ओके, सो जो H.T. Coleridge के पोएट्री के मेन थीम्स होते थे, वो रोमांटिसिज्म को रिफ्लेक्ट करते थे, जिसमें इमेजिनेशन है, नेचर है एंड सुपर नेचुरलिज्म है. लेट्स डिस्कस नेचर इन कॉलरेज पोएट्री. H.T. Coleridge ने नेचर से रिलेटेड लिखा है, पावर ऑफ नेचर से रिलेटेड, ब्यूटी ऑफ नेचर से रिलेटेड, और इनका जो एक फेमस वर्क है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, जिसमें H.T. Coleridge ने नेचर प्रोसेस के बारे में बताया है कि वो किस तरह से हैपन होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. और ये एक रेफरेंस है जो कि फ्रॉस्ट एट मिडनाइट से लिया है. द फ्रॉस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री अनहेल्प बाय एनी विंड. दिस लाइन कैप्चर्स अ सेंस ऑफ कॉल्म एंड नेचर एक्टिविटी ड्यूरिंग अ फ्रॉस्टी नाइट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन बाय H.T. Coleridge. H.T. Coleridge have spirit like Wordsworth, and there is a philosophy of H.T. Coleridge related to nature that nature appears joyous or mournful. It is like that कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर का होता है. सो दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ H.T. Coleridge रिलेटेड टू नेचर एंड ही बिलीव डेट कि जो नेचर होती है वो हमारे थॉट्स की ही रिफ्लेक्शन होती है, राइट. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इमेजिनेशन इन कॉलरेज पोएट्री. H.T. Coleridge एक साइकोलॉजिकल क्रिटिक भी थे एंड ये फाइंड करना चाहते थे कि व्हाट डज हैपन टू द माइंड ऑफ अ पोएट व्हेन ही गोज थ्रू क्रिएटिव प्रोसेस. इसके लिए उन्होंने एनालिसिस किया है इमेजिनेशन का, और उन्होंने डिफरेंस बताया है फैंसी और इमेजिनेशन में, कि जो फैंसी है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और मेमोरीज हैं, और जो कि हेल्प करते हैं इमेजिनेशन में टू क्रिएट समथिंग. और H.T. Coleridge के नज़दीक जो इमेजिनेशन है वो एक पावरफुल फोर्स है जो कि कनेक्ट करती है, ठीक है. और जो कुबला खान है वो इमेजिनेशन से रिलेटेड है एंड इट्स अ ग्रेट वर्क बाय H.T. Coleridge. इट्स अ ड्रीम लाइक वीन और अ वीन इन अ ड्रीम, मीन्स के दिन में सपने देखना, और इसको अ फ्रेगमेंट भी कहा जाता है. एंड इट डिस्क्राइब्स अ ड्रीम डेट पॉइंट हेड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैलेस बाय कुबला खान. और जो कुबला खान है वो ग्रेट सन ऑफ चंगेज खान है, और इसमें डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर किया हुआ है, पावर ऑफ इमेजिनेशन को और क्रिएटिविटी को, और इसमें नेचर की भी डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताई हुई है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू H.T. Coleridge पोएट्री इज सुपर नेचुरल. सुपरनेचुरल क्या होता है? सुपरनेचुरल मींस दैट व्हाट इज बियॉन्ड फिजिकल. इट इंक्लूड्स लाइक स्पिरिट्स, एंजल्स, गोस्ट एंड गॉड. इससे रिलेटेड जो कुछ होते हैं वो सुपरनेचुरल में आते हैं. एंड वी सी दैट द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिस्टिकल, सुपरनेचुरल एलिमेंट एंड गोथिक एलिमेंट इन H.T. Coleridge पोएट्री.
His famous work, The Rime of Ancient Mariner, which is also a big contribution in Romantic Age, उसमें हम देखते हैं उसकी जो सेटिंग है वो भी मैजिकल है. उसमें हम सुपर नेचुरल एलिमेंट देखते हैं, गोथिक एलिमेंट देखते हैं, मिस्टिकल एलिमेंट देखते हैं. और इसकी जो स्टोरी है वो एक सेलर से रिलेटेड है एंड सिम्बॉलिक क्रिएचर एल्बर्ट रूस से रिलेटेड. एल्बर्ट रूस एक बर्ड है जिसको सेलर किल कर देता है एंड देन एल्बर्ट रूस कर सेलर डेट यू विल बी लाइक डेट. और सेलर की लाइफ में ये एक रिग्रेट रहता है. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द बैलेट फॉर्म इन कॉलरिज पोएट्री. बैलेट फॉर्म ऑफ पोएट्री वो पोएट्री होती है जिसमें स्टोरी सिंपल और म्यूजिकल वे में बताई जाती है. एंशियंट मेरिनर एग्जाम्पल है बैलेट फॉर्म ऑफ पोएट्री बाय एसटी कॉलरिज. और अगर हम एसटी कॉलरिज की कंट्रीब्यूशन को देखें रोमांटिक एज में, तो सबसे पहले तो लिरिकल बैलेट है जिसको उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ पब्लिश किए थे 1798 में. एंड उनके फेमस वर्क लाइक फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, कुबला खान, और जो उन्होंने थीम्स एक्सप्लोर किए हैं, एलिमेंट एक्सप्लोर किए हैं लाइक सुपर नेचुरल एलिमेंट, और जो उन्होंने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ दिए हैं नेचर से रिलेटेड, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिए, पावर ऑफ नेचर से रिलेटेड डिफरेंट वर्क प्रोड्यूस किए हैं. एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो उनका फेमस वर्क है बायोग्राफिकल लिटरेरी ऐसे है जिसमें उन्होंने इमेजिनेशन का एनालिसिस किया है और डिफ्रेंशिएट किया है प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन में. ओके, Hope you learn well in this video, and if you have any questions, so comment me please. Thanks for watching.